हे गाइस, आपका स्वागत है नूब दिलर चैनल में। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार लाइट 84 के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ इस गेम का भैया क्या कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर भैया क्या क्या मोड्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारी और चीज़ें। तो यहाँ पे इस वीडियो को जो है वो अंत तक देखो। तो गाइस, ये जो गेम है भैया हाल ही में लॉन्च हुई है, जस्ट एक दो दिन हुए हैं। और इसके जो है कॉन्सेप्ट जो है इस गेम का, मतलब वो है भैया 2084, मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक गेम पे है। 2084 ईयर पे ये गेम बनी हुई है। और यहाँ पे जो इस कंपनी, इस गेम को जिस कंपनी ने भैया डेवलप किया है उसका नाम है मिरेकल, और ये एक सिंगापुर लोकेटेड कंपनी है। अभी यहाँ पे इस गेम के अंदर भैया चाइनीज़ कंपनी का भी थोड़ा सा हाथ है। जो चाइनीज़ कंपनी भैया उसने इस गेम के अंदर फंडिंग की है, तो थोड़ा सा भैया जो है ओनरशिप भी इस चाइनीज़ कंपनी को भी जाता है। इस गेम की जो साइज़ है वो है भैया 884। आप जो है इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो अभी प्ले स्टोर से, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। ये जो गेम है वो अभी तक अर्ली एक्सेस में है, बट गाइस इसके गेम के जो मतलब ग्राफिक्स है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। तो गाइस, गेम के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है भैया वो है कैप्सूल्स। तो गाइस, कैप्सूल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप बैठ के भैया कहीं भी आइलैंड पे लैंड कर सकते हो। जो पबजी जैसी गेम्स थी तो भैया उसके अंदर जो है एरोप्लेन्स आते थे, बट इसके अंदर आते हैं कैप्सूल्स। यहाँ पर गाइस दूसरी चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पर भैया आपको टोटल 8 कैरेक्टर्स गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। गेम जब आप पहली बार स्टार्ट करोगे तो आपको 2 कैरेक्टर्स ऑलरेडी अनलॉक्ड मिलेंगे, एक मेल कैरेक्टर मिलेगा और एक फीमेल कैरेक्टर मिलेगा, और बाकी के कैरेक्टर को आपको भैया खुद अनलॉक करना है। गाइस, यहाँ पे जो है एक जेटपैक का सिस्टम है इस गेम के अंदर। वो जेटपैक आपकी पूरी गेम में रहेगा जब तक भैया गेम में अलाइव हो, और उस जेटपैक को यूज़ करके आप फ्लाई कर सकते हो। अभी इस जेटपैक को भैया उसकी अनलिमिटेड एनर्जी नहीं होती है, उसको भैया आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो भैया चार्ज कैसे करें? तो गाइस, पूरे मैप के अंदर आपको बहुत सारी जगह पे पोल्स मिलेगी, उस पोल को आपको चार्ज करना है, और पोल को चार्ज करने से भैया आपके इक्विपमेंट को जो है एनर्जी मिलेगी। तो ये एक अलग बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अलग और नया कॉन्सेप्ट है। तो पोल को आपको चार्ज करना है अलग अलग जगह पे, और उसमें से आपको जो है एनर्जी मिलेगी अपने इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए। अभी बात करते हैं गाइस वेपन की। तो गाइस, इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स हैं, अलग अलग वेपन्स हैं। बट गाइस, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हर एक वेपन के अंदर भी नॉर्मल बुलेट फायर नहीं होती है, और बहुत अलग अलग टाइप के वेपन्स आ रहे हैं। अगर कोई और शूटर गेम की बात करें तो हर एक गन के अंदर एमओ ही आती है नॉर्मल, सिर्फ उसकी साइज़ अलग होती है, जैसे 7.629 mm। बट गाइस, इसके अंदर भी है कुछ ऐसी भी गन्स आती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चाहिए। मतलब जब आप पोल को चार्ज कर रहे हो उस समय आपके पास अगर एमओ नहीं है फिर भी आप फायर कर पाओगे, तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट है। गाइस, यहाँ पे अगर बात करें मोड्स की, तो इसके अंदर अभी मैंने चेक किया तो सिर्फ और सिर्फ बैटल रॉयल मोड अवेलेबल है। मतलब गाइस, फ्यूचर अपडेट के अंदर यहाँ पे TDM आने वाला है, ऐसी न्यूज़ मिली है। गाइस, अभी बात करते हैं ग्राफिक्स सेटिंग्स की। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है भैया ग्राफिक्स को चेंज करने के लिए। बाकी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे ग्राफिक्स का कोई भी आप सेटिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। आपका भैया फोन जितना सपोर्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली उसके अनुसार भैया गेम जो है चलेगा। तो गाइज, अभी आगे बात करते हैं तो स्टोर की। तो गाइज, इस गेम के अंदर भैया एक स्टोर आएगा जिसके अंदर से आप जो है सारी आइटम्स बाय कर पाओगे। तो यहाँ पे उस स्टोर के अंदर मिलेगा आपको जेटपैक के स्किन्स, कैरेक्टर के स्किन्स, वेपन्स के स्किन्स, और साथ ही साथ आपको मिल गए कैप्सूल्स के स्किन्स। तो गाइज, यहाँ पे आप कैरेक्टर्स आपको अगर बाय करने हैं तो आप जो है वो स्टोर के अंदर से जो है कैरेक्टर बाय कर पाओगे। बाकी के आपको कैरेक्टर्स, मैंने जैसे कि बताया कि 2 कैरेक्टर्स आपको ऑलरेडी अनलॉक मिलेंगे, बाकी के कैरेक्टर्स आप स्टोर के अंदर से बाय कर सकते हो। और अगर कोई और तरीका है तो वो मैं जब गेम खेलूंगा वो तभी मेरे को पता चलेगा। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या इस गेम के मतलब ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही अभी बात करते हैं व्हीकल्स के बारे में। तो इस गेम के व्हीकल्स एकदम नेक्स्ट लेवल के आप देख सकते हो, मतलब एकदम खतरनाक व्हीकल्स है। व्हीकल्स के ऊपर आपको अटैचमेंट्स दिख जाएगी, अलग अलग टाइप की गन्स, और एकदम फ्यूचरिस्टिक गेम है। और साथ ही साथ उसकी जो कार्स व्हीकल्स है वो भी एकदम फ्यूचरिस्टिक है। और गाइस, इस गेम के अंदर एक स्पेशल व्हीकल है जिसको भी आप देखते ही आपका भी मन जो है उछल पड़ेगा। तो गाइस, उस व्हीकल का जो नाम है वो है राम। तो गाइस, इस नेम को सुन के मेरे को यार ये गेम सबसे ज़्यादा ये नाम से ही मुझे को पसंद आ रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये हमारा व्हीकल है राम, और ये गाइस 2 व्हीकल का शायद कॉम्बिनेशन है। ऊपर की तरफ एक टैंक टाइप का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आपको जो है फायर कर सकते हो। ऐसे एक और व्हीकल मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये भैया 4 पैर रोबोट वाला क्रैबी व्हीकल। तो ऐसे बहुत ही अमेजिंग व्हीकल्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, ये था एक डिटेल वीडियो ऑन फार लाइट 84। गाइस, अभी देखो मैंने इस गेम को मैं आगे अगर वीडियो आप चाहोगे तो ही मैं डालूंगा,
ठीक है, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं मिलेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो मैं जो है भैया आगे इस गेम को कवर नहीं करूँगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है यार मेरे को। यार करीबन 5 घंटे लग गए हैं भैया इस पूरे वीडियो को और इसके थंबनेल को बताने के लिए, साथ ही साथ इसकी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, तो पूरे 5 घंटे मैंने इस वीडियो के अंदर इन्वेस्ट किए। तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है।